वेलकम बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर फिनाइल कीटोनूरिया। जो फिनाइल कीटोनूरिया है इसको PKU के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको जो कॉमनली जाना जाता है वो PKU के नाम से जाना जाता है, और ये एक डिसऑर्डर है। कौन सा? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ये डिसऑर्डर होगा, ठीक है, तो उसके ब्लड के अंदर क्या होगा, फिनालालिन सब्सटेंस की जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो आगे देखते हैं, दिस इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो ये इनबोर्न एरर होता है किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो टोटल सम होता है, जितने भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उसके सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दिस इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो, जो ये इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, ये कैसे है? ये इनहेरिटेड होता है, ट्रांसफर होता है, जैसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्या होती है, इनहेरिटेड करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम डेट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनालिलिन इनटू टायरोसिन, ठीक है। ये कह रहा है कि जिस भी इंडिविजुअल को ये डिसऑर्डर होगा तो उसकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम की कमी हो जाएगी, और वो एंजाइम क्या करता है, फिनालिलिन अमीनो एसिड को चेंज करता है टायरोसिन के अंदर, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये फिनालिलिन टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ फिनालिलिन इज एकुमुलेटेड, ठीक है। जो फिनालिलिन क्या होगा, वो एकुमुलेट हो जाएगा, और क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फिनाइल पायरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। और जो ये डेरिवेटिव्स और जो ये फिनाइल पायरिक एसिड बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एकुमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, उस इंडिविजुअल के ब्रेन के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ठीक है। और ये जो डेरिवेटिव हो गए, ठीक है, ये क्या होंगे, इनका एक्सक्रीशन होगा यूरिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो उसकी किडनी होगी वो क्या करेगी, पुअर प्रॉपर तरह से क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये फिनाइल पायरिक एसिड और जो दूसरा डेरिवेटिव्स है वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये था फिनाइल कीटोनूरिया। ओके।